हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस ये मिरर है, ये देखिए टूट गया है। ये अभी न्यू ही था, न्यू टूट गया है। तो इसको अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये ठीक कर लूँ, जिसके लिए मेरे पास ये कार्ड हैं जो शादी वाले कार्ड आते हैं। देखिए ये, इसी से मैं थोड़ा कुछ देखती हूँ इसको मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ, साथ साथ आपको भी बताऊँगी। गाइस देखिए, ये पहले हमने टू साइडेड वाला टेप लगाया है इसके ऊपर से, फिर ये जो कार्ड है उसको हमने काट कर लगा दिया है। देखिए ऐसे लगाना है, ये मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैं अब इसमें थोड़ा सा ये ऐसे लगा दूँगी। इसको आपको ऐसे ही लगाना है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा भी पकड़ रही हूँ तो सही से नहीं लग पा रहा है। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये तो पूरा कवर हो गया है, अभी हम इसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए कुछ बनाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। गाइज ये हमने नेल पेंट ले लिया है, ये जो इसकी साइडों में है हम थोड़ा थोड़ा दोनों साइड लगा देंगे। ये हमने रेड कलर का नेल पेंट लिया है, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। देखिए ये हमने एक नेल पेंट की लेयर लगा दिया है। ये हमारे पास पिस्ता के बीज हैं, जो पिस्ता जो हम लोग खाते हैं ड्राई फ्रूट्स वाला, तो इसका ये मेरे पास है, इसी से मैं अब आगे डिज़ाइन बनाती हूँ, देखते रहिए आप। ये हमारे पास ये ग्लू हमने ऐसे इसके ऊपर लगा लिया है, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको क्या करना है। यहाँ रख देना है क्योंकि एक मैंने अभी बना दिया है ऊपर वाले, देख लीजिए सीधे इसके बीचों बीच रख देना है, ठीक है ऐसे। उसके बाद इस पे भी ग्लू लगा के हमें सीधे ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है ऐसे करके पूरी हमें पूरी ये लेयर लगा देनी है। गाइस ये हमारा पूरे पे लग गया है, देखिए अब हम इस पे ये नेल पेंट से कलर कर देंगे पूरे जो पिस्ता है, जैसे ये रेड हो रहा है ना, तो इसी से हम इसके ऊपर पूरा इसको कलर करेंगे पिस्ते के ऊपर। देखिए गाइस ये हमारा जो मिरर है ये रेडी हो गया है, इस पे हमने पिस्ता लगा के नेल पेंट कर दिया पूरे पे। तो ये वाला जो पार्ट था ये इसका थोड़ा छोटा था, ये पार्ट इसका थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ मैंने ये जो कार्ड होता है देखिए ये इसमें से काट कर इधर ये लगा दिया है, इसी का ऐसे ही दूसरा वाला लगा दिया है, तो अब ये देखने में इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। आपकी भी कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाए या टूट जाए तो आप ये उस पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। देखिए ये हमारा मिरर जो है वो रेडी हो गया है पूरा, तो इधर साइड जो था जब टूटा था ये छोटा था, इधर थोड़ा बड़ा था, तो मैंने अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे दोनों अलग अलग, तो इधर मैंने थोड़ा ये कार्ड का जो शादी वाला जो ये कार्ड होता है दिखाती हूँ मैं आपको ये जो कार्ड है इसमें से मैंने ये काट के यहाँ लगा दिया है और वैसे ही एक काट के यहाँ लगा दिया है, तो अब ये सही लग रहा है। तो इसका जो पीछे वाला जो लगाने वाला क्या बोलते हैं इसको ये जो इसकी कुंडी थी ये यहाँ लगी हुई थी, तो अब डिज़ाइन तो अलग हो गया है, तो अब मैं ना इसको यहाँ लगाऊंगी इधर साइड। इसकी जो ये कुंडी थी वो इधर लगी हुई थी, और तो अब मैं इसको ये थोड़ा डिज़ाइन अलग हो गया है इसका, तो मैं अब इसको यहाँ लगाऊंगी। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रखना है, उसके बाद ये आपको एक सुई लेनी है मोटी है, आपको कोई और चीज़ हो आपके पास उससे भी कर सकते हो। फिर हमें धीरे धीरे ना इसके अंदर करना है, फिर ऐसे करते रहना, मतलब ये हमें इतना बड़ा कर देना है जिससे ये इसके अंदर चला जाए, ठीक है। देखिए ये जाने लगा, अभी मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। मेरे हाथ से ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा ना, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ और ये भी लगा रही हूँ। देखिए ये हमने इसके ऊपर रख दिया है, इसको थोड़ा ऐसे करना है, अभी इसके ऊपर ये लगा देना है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ और इसको भी लगा रही हूँ, तो अब इसको हमें प्लास से टाइट कर देना है पेचकस से। इसको सीधा कर लेना, देखिए
ये पूरा लग गया है गाइस। देखिए हमारा जो मिरर है वो रेडी हो गया है। हमने यहाँ एक छोटी सी कील लगाया है, उसी के ऊपर इसको लगा दिया है। देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग भी नहीं रहा है कि ये पहले यहाँ से टूटा हुआ था या वेस्ट था। तो देखिए अभी कितना सही लग रहा है। पूरा ये